खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में वैश्विक कोरोना संकट के चलते गरीब व मध्यम वर्गीय समुदाय के बच्चों को बाल श्रम एवं बाल व्यापार के शिकार से बचाने के लिए बाल श्रम विरोधी अभियान मध्य प्रदेश के सहयोग द्वारा बाल श्रम मुक्त प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ तहसीलदार श्री केसिया सोलंकी, बीएमओ श्री चेतन कलमी, बीईई श्री दिनेश सोलंकी सहित शासकीय अस्पताल के समस्त कर्मचारियों ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। पहल जन सहयोग विकास संस्था के कोऑर्डिनेटर अमर गवानी ने अपने चर्चा में बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध तंत्र एवं जन समुदाय को बच्चों के साथ होने वाले शोषण से बचाने और उनके स्वर्गीण विकास के लिए उन्हें जागरूक एवं सक्रिय करना है। अभियान के तहत जिले की 50 ग्राम पंचायतों में जाकर बच्चों को बाल श्रम में जाने से रोकना है, इसलिए रंग बिरंगे चित्र, कहानियाँ, कविताएँ आदि तैयार करने हेतु ड्राइंग बुक, स्केच, कलर पेन, पेंसिल आदि वितरित किए जाएंगे ताकि वे तनाव मुक्त रह सकें और अपने मन की बातों को और भावनाओं को उभार सकें। इसके साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भी जागरूक किया जाएगा। अब चूंकि लॉकडाउन खुल रहा है तो अब हमें अपनी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखना है। इस अवसर पर शाला प्रभारी, हेडमास्टर, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच आदि भी मौजूद रहे।